नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कैट फिश की रेसिपी शेयर करूँगी और आज मैं बनाने वाली हूँ कैट फिश से झोल। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम कैट फिश ले लिया है, इसे सिंगी माछ भी बोला जाता है। तो इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब्जी में हमने यहाँ पे लिया है कच्चा केला, दो कच्चे केले को ऐसे स्लाइस में काट लिया है, एक मीडियम साइज के आलू को ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, और पपीता लिया है आधा, छोटा सा एक पपीता आधा लिया है उसका। और झोल थोड़ा सा हमारा पतला बनेगा तो यही वेजिटेबल्स हम यूज़ करेंगे, और बाकी जो सामान चाहिए मैं बनाते टाइम बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये फिश को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसका जो फ़ायदे है कैट फिश के झोल का, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए हमारा, हम इसमें फिश डाल देंगे। बस 2 मिनट हाई फ्लेम में इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये थोड़ा सा छिटकते हैं तो डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 मिनट बाद सभी फिश को हम पलट देंगे। फिश हमारा फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे। बस 2 मिनट हाई फ्लेम में, और आप देख ही सकते हैं कि कितना ये छिटक रहा है, तो थोड़ा सावधानी के साथ फ्राई कीजिएगा। इसी तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच कलौंजी। जब अच्छे से ये भून जाए हम इसमें सभी वेजिटेबल्स डाल देंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे हम। गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और इसे स्पैचुला से चलाते हुए हम 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। डालेंगे 3 हरी मिर्च, बीच में चीरा लगा के। सब्जी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया और जीरा रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा जीरा और धनिया को ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद पाउडर बना के डालना है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इस सब्जी में जो मेन चीज़ है वो ये है काली मिर्च। तो यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। अच्छे से मसाले को
सब्जी के साथ भूनेंगे। काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा इस सब्जी में, इसी का ही खुशबू होती है और टेस्ट बहुत अच्छा आते हैं। जब ड्राई मसाले अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें झोल बनाना है। सब्जी भी अच्छे से हमारा पकेगा और थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा रहेगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी डाला है। पैन को कवर करके गैस का फ्लेम मीडियम करके हम सब्जी को पकाएंगे 8 से 10 मिनट, जब तक हमारा सारे सब्जी अच्छे से पक ना जाए। पैन को कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम। 8-10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि सब्जी हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। 10-12 मिनट बाद सब्जी हमारा अच्छे से पक गया है। इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए फिश और थोड़ा सा इसमें से हम सब्जी उठा लेंगे और इसे हम अच्छे से मैश करके इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो झोल है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। देखिए थोड़ा सा ही लिया है, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मछली डालने के बाद हाई फ्लेम में 3 मिनट और सब्जी को ढक के पकाएंगे। देखिए डाल देंगे इसमें, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में सब्जी को ढक के सिर्फ 3 मिनट और पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद सब्जी हमारा बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे और इतना ही झोल रखना है। देखिए तो इसे हम निकाल लेते हैं और मछली डालने के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने हाई फ्लेम में इसे पकाया है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कैटफिश के झोल बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।